द आर्टिकल्स। बहुत ही इजी टॉपिक है ना आज का, क्योंकि आर्टिकल्स तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये हम बचपन में ही जान लेते हैं कि आर्टिकल्स का यूज़ हमें कहाँ और किस कंडीशन में करना होता है। लेकिन आर्टिकल्स शब्द से बहुत लोग अननोन होते हैं, क्योंकि हम तो अक्सर सीखते हैं द यूज़ ऑफ ए एंड द, लेकिन इनको ही आर्टिकल्स कहा जाता है ये बहुतों को नहीं पता होता है। और इसके अलावा आज के वीडियो में मैं आर्टिकल्स के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, नो माई नेम। हेलो, माई नेम इज़ सुब्लक्ष्मी गोस्वामी एंड वेलकम टू माई चैनल इंटीमेट व्यू पॉइंट। नाउ अ शॉर्ट इंट्रो। हर एक इंसान अपने लाइफ में सिर्फ सुख को ही इमेजिन करता है, लेकिन सुख दो पल हमारे लाइफ में ठहरता है और फिर हमारा साथ छोड़ देता है। लेकिन संघर्ष और तकलीफ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता, तो क्यों ना इसे ही अपना साथी बनाएं और सुख को अपने लाइफ में इम्पोर्टेंस ही ना दें। तो चलिए अब जानते हैं आर्टिकल्स के बारे में डिटेल में। ए एंड और द, इन तीनों को ही आर्टिकल्स कहा जाता है। आर्टिकल्स का यूज़ हम सिर्फ और सिर्फ अनाउन के पहले करते हैं, जैसे अ मैन, अ मैंगो, एन ऑरेंज, एन आउल, द डॉक्टर, द बुक्स। देयर आर टू आर्टिकल्स। ऐसे तो यहाँ तीन दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये दो हैं, ए और एन एंड द। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि ए और एन का यूज़ हम किसी भी नाउन के पहले करते हैं, जैसे अ डॉक्टर, और डॉक्टर का मतलब कोई भी डॉक्टर हो सकता है। अ कैट, अ कैट का मीन्स कैट प्रजाति का कोई भी कैट हो सकता है। अ डॉग मीन्स कोई भी डॉग हो सकता है। एन आउल का मतलब भी आउल प्रजाति में जितने भी आउल हैं सबके बारे में हो सकता है। जबकि द को कहा जाता है डिफिनिट आर्टिकल, क्योंकि द का यूज़ हम पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, जैसे द बुक मीन्स किसी पर्टिकुलर बुक को इंडिकेट किया जा रहा है। आई सॉ द मैन मीन्स किसी पर्टिकुलर मैन को इंडिकेट किया जा रहा है। जब इसके अतिरिक्त ए और एन का यूज़ हम काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन के पहले ही कर सकते हैं, मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं या जो गिनती में सिंगल हो, जैसे अ मैन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अ डॉग, अ कैट। इसके अतिरिक्त ग्रेन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं अ राइस, अ व्हीट, एन ओट, या फिर हम किसी चीनी या फिर आटा, मिल्क, इन सबों के पहले भी हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जबकि द यानी डिफिनिट आर्टिकल, द का यूज़ हम किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन उसका खास या पर्टिकुलर होना आवश्यक है। ऐसे तो हम हर जगह आर्टिकल्स का यूज़ किया करते हैं, लेकिन ए, एन और द को ही आर्टिकल्स कहते हैं ये बहुतों को पता ही नहीं होता, और इसके रूल्स भी बहुत कोई नहीं जानते हैं। लेकिन आई होप कि आज के वीडियो से आपके सामने आर्टिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपका लाइक करना किसी को एनकरेज करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।